तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे लीड्स में अब दंगा भड़का है, लोग बवाल मचा रहे हैं और वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल, और देखिए जबरदस्त तरीके से हंगामा लोगों का, ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए। लीड्स की तस्वीर जहां पर दंगा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में किस तरीके से आगजनी की गई है, लोगों में इस कदर गुस्सा देखने को मिल रहा है कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और तीसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ पर हंगामा इसलिए क्योंकि स्थानीय जो चाइल्ड केयर एजेंसी है वो माता पिता से बच्चों को अलग कर रहे हैं और यही वजह है कि लोग जो है गुस्से में हैं और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें वहाँ से लगातार सामने आ रही है। ट्रेन हादसा, साजिश या हादसा, ये सवाल इसलिए क्योंकि तीन लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आखिर ये जो पूरा मामला हुआ है ये साजिश के तहत हुआ या ये हादसा है, इसलिए क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि जब ये हादसा हुआ था तो ट्रेन के लोको पायलट को धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अब ये आवाज कहां से आई इसको लेकर भी जांच हो रही है। गोंडा रेल हादसे की अब जांच तेज कर दी गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे असामाजिक तत्वों द्वारा कोई उनका हाथ तो नहीं था या कोई साजिश तो नहीं थी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा होता है, रेल यात्री घायल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई ट्रेनें भी बाधित हुई हैं और लेट भी हो गए कई लोगों के, तीन लोगों की मौत की खबर भी, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची मौके पर और ऑपरेशन चलाया गया। 21 बोगियां डीरेल हो गई। पटरी के रिस्टोरेशन का काम जारी है, चार लोगों की मौत के बाद अब रेलवे जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको रिस्टोर करने में लगी और देखिए क्या दुर्घटना के बाद स्थिति है। इस डिब्बे को देखिए, ये कोई नाव नहीं, ये रेल का एक डब्बा है जो पास में पटरी के बगल में जो खेतों में पानी इकट्ठा था वहाँ पे पड़ा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए कि जो उसमें यात्री सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसे उनकी जान बची होगी। और लगातार यहाँ से आप लाइन से देखेंगे कई डब्बे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा डब्बे यहाँ पर पूरी तरीके से 180 डिग्री 360 डिग्री पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहा है कि किस तरीके से इस घटना के बाद स्थितियाँ रही होंगी, लोगों को इमरजेंसी में कैसे स्थानीय ग्रामीणों ने आगे बढ़कर निकाला, लोगों की जान बचाई। और ये तार देखिए, ये तार वो है जो ऊपर से बिजली देता है जिससे ट्रेनें इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें बढ़ती हैं, वो भी अब जमीन पर झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय इस डब्बे को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे ये घटना घटी होगी। पहिए जो हैं वो पहिए भी टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं, पहिए भी अपनी जो रूट है उसको छोड़कर जिस तरीके से पलट गए और टेढ़े मेढ़े हो गए। जो सीधे डब्बे थे उनको अभी रिस्टोर करके यहाँ से हटाया जा चुका है। दुर्घटना के जो डब्बे हैं वो अभी भी प्लेटफॉर्म के बगल में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अजय की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, क्या स्थितियां हैं वो इस वक्त बता रहे थे। लेकिन इसी पूरे मामले पर आपको बता दें कि डीआरएम का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है गोंडा रेल हादसे पर। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पूरी रेलवे के करीब 700-800 लोग बहाली को लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट कर देंगे। नहीं, ट्रेनें तो डाइवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई, कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं। इस वक्त आप सुन रहे थे गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर, इस वक्त ग्राउंड पर क्या है ये आपको बता रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं ट्रैक से। हालांकि मलबा हटाने का काम अभी जारी है क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद आवाजाही भी बाधित हुई है, अभी क्या स्थिति है इसके लिए सीधे रुख करेंगे अजय दुबे का। अजय अभी बताइए क्या अपडेट आपके पास। देखिए अभी का काम सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरेशन पर फोकस है, मैं पहले दिखाता हूँ कि काम क्या हो रहा है। जरा इन पटरी के हिस्से को देखिए, ये दो पटरियों का रूट है, एक पटरी आपको यथावत दिखाई देगी और दूसरी पटरी की हालत देखिए। और पटरी के संग जरा बिखरे हुए इन डब्बों को देखिए, ये ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए ट्रेन के डब्बे हैं। ये डिब्बे बता रहे हैं कि क्या भयावह मंजर रहा होगा, किस तरीके से ये पटरियां, इन पटरियों को देखिए जो यहाँ पर आपको इकट्ठी एक जगह पर पटरियां दिख रही हैं जो कल दिन में 2 बजे से पहले ठीक इस जगह पर बिछी हुई थी, जिन पर ट्रेनें दौड़ रही थी।
थी। कल यहाँ पर जिस तरीके से दुर्घटना होती है और पूरा ये ट्रेन का हिस्सा आप देखिए कैसे तकरीबन आधा दर्जन डब्बे हैं सचिन सैनी, एक छोर से दूसरे छोर तक आपको पैन करके दिखाएंगे कि कैसे ये डब्बे यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कुछ डब्बे चकनाचूर स्थिति में बिल्कुल पड़े हैं, कुछ डब्बे हैं जो आधा पानी में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह एक और शव भी बरामद किया गया है और लेकिन लगातार इस समय जो प्राथमिकता है वो रिस्टोरेशन की है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक इस रूट को चालू कर दिया जाएगा, रिस्टोरेशन पूरा हो जाएगा। जहां जरूरत है वहां ये जेसीबी मशीनें हैं, आधा दर्जन जेसीबी मशीनें हैं जो इस समय काम कर रही हैं। और एक और ट्रेन को आप देखेंगे जो लेकर पहुंची है उन पिलर्स को जिनके ऊपर ये पटरियां फिक्स की जाती हैं और जो गिट्टियां हैं। अजय नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए हादसा जहां हुआ है तेजी से वहां पर काम इसलिए जारी है क्योंकि कई ट्रेन जो है आवाजाही के लिए बाधित हो चुकी है, कई ट्रेनें डिले चल रही है। यही वजह है कि जल्द से जल्द जो है उस रास्ते को भी बहाल करने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन देखिए यूपी के गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई जिसमें आपको बता दें कि 3 लोगों की जान चली गई है जबकि 30 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई में क्या हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। हालांकि हादसा होने के बाद अब रेलवे प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटरियों पर बिखरी ट्रेन की बोगियां, लोगों की चीख पुकार, ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेन के करीब 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 3 बोगियां पलट गई जबकि बोगियों का मलबा पटरियों पर फैल गया। इस घटना से वहां दहशत फैल गई, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के शीशे तोड़कर बाहर निकले तो कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से बोगियों से बाहर निकाला गया। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे प्रशासन, SDRF और NDRF के कई टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रेन की बोगियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ट्रेन हादसे के बाद इस रूट पर 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है जबकि 11 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से ट्रैक्स से बोगियों को हटाया गया। इसके बाद पटरियों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। गोंडा में रेलवे की तरफ से रिस्टोरेशन का काम जारी है, रेस्क्यू का काम पूरा हो गया लेकिन डब्बों के रेस्क्यू के दौरान जो देखिए कैसे ताश की तरह बिखरे हुए डब्बे हैं, रात में और भी शव इसमें निकले हैं। देखिए कैसे जो शव मिला रात के दौरान उसे पटरी के बगल में रखा गया है। मौत का जो आंकड़ा है तकरीबन 4 के पास रात में पहुंचा हुआ था, अभी एक और शव बरामद किया गया है। लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद क्योंकि ये डब्बे खेतों में भी पड़ चले गए थे, डब्बे कुछ पानी में भी चले गए थे, तो वैसे में रेस्क्यू के ऑपरेशन में थोड़ा समय लगा लेकिन देर रात एक और शव पर बरामद किया। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने बताया कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी, हालांकि DGP प्रशांत कुमार ने किसी तरह के विस्फोट होने की बात से इनकार किया है। हादसे की वजह जानने के लिए CRS यानी रेल सुरक्षा आयुक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक पर अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला। फिलहाल इस भीषण हादसे के बाद रेलवे मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।